के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दिए 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश। एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला, परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए नेशनल हाईवे 29 को किया जाम। SDM सदर प्रथमेश कुमार द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने के आश्वासन के बाद माने परिजन, आवागमन हुआ शुरू। मुख्यमंत्री के द्वारा गठित टीम महिला कल्याण के नेतृत्व पर कर रही है आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तेज बाइक चलाने से मना करने पर जमकर हुआ बवाल, चले लाठी डंडे, एक बुजुर्ग की हुई मौत। CEO खजनी योगेंद्र नारायण पांडे ने कहा जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। बेलीपार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पत्नी के हत्या आरोपी ब्रिजेश को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत आयोजित हुआ लोक संगीत कार्यक्रम, जीवन से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई रंगारंग प्रस्तुति। श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ में संस्कृत भाषा एवं महंत दिग्विजय नाथ जी विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष ने कहा संस्कृत भाषा ही नहीं आपूर्ति होना चाहिए शिक्षा का माध्यम। श्री कृष्ण परमाणी मंदिर संझाई में 3 से 9 नवंबर तक श्री तारक मां सागर का 108 प्राणायाम ज्ञान यज्ञ का होगा आयोजन, आचार्य सूर्य नारायण दास महाराज ने दी जानकारी। इंडियन डेंटल एसोसिएशन एवं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क डेंटल कैंप का हुआ आयोजन, मीडिया कर्मियों और उनके परिवार का किया गया निःशुल्क दंत परीक्षण एवं की गयी दवाएं वितरित। अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वारिस परिवार कमेटी भारत संस्था की बैठक हुई संपन्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। और उत्तर प्रदेश राज्य वारिस संघ गोरखपुर इकाई के तत्वावधान में मनाया गया वीर शिरोमणि रूपन बारी की जयंती, वारी समाज के सामाजिक उत्थान पर हुई चर्चा।